वैलिडेशन में देखिए एक चीज़ हम देखेंगे, डेट और टाइमिंग की ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। डेटा वैलिडेशन जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, लिस्ट के रूप में, होल नंबर के रूप में, या हम टेस्ट लेंथ के रूप में, उसी के साथ अगर हमें टाइमिंग सेट करना है या डेट सेट करनी है तो उसमें भी एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। जैसे हमें इस रेंज में एक टाइम फिक्स करना है, किस कोर्स का क्या टाइमिंग है, किस बीच में है, वो हमें देखना है। इस कोर्स के लिए हमें ये टाइम डिसाइड करना है या इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ही डिसाइड करना है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। पहले हम कर लेंगे रेंज को सेलेक्ट, फिर डेटा वैलिडेशन में हम लेंगे यहाँ पे अलाउ में टाइम का ऑप्शन। अब टाइम में आपको यहाँ पे एक टाइम देना है, इस टाइम से लेकर इस टाइम, या फिर आप चाहें तो इक्वल्स टू में कोई एक टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक टाइम तो सभी कोर्स के लिए एक टाइम तो फिक्स नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन को यूज करेंगे और यहाँ पे हम एक टाइम इस टाइम से इस टाइम, तो हमने यहाँ पे लिखा 8 से लेकर, यानी 8 बजे से लेकर हमें यहाँ पे टाइम सेट करना है। कौन सा? हमने यहाँ पे किया 11:30, यानी 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का टाइम सेट करना है इन बैचेस के लिए, इन कोर्स के लिए। तो ये हमने कर दिया, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा दिया है 8 से 11:30 तक, तो हम यहाँ पे 8:00 हमने सेट किया, 8:00 ले लिया RSCET कोर्स के लिए। अब MCA कोर्स के लिए क्या सेट करना है? 9:30 सेट करना है, तो ये हमने 9:30 इसके लिए MCA के लिए सेट किया। BCA के लिए क्या करना है? इसके लिए करना है 10:30 का टाइमिंग सेट। इसे टैली DDB अलग अलग कोर्सेज जो दे रखे हैं इन्हीं के टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें देना है। एक का हमें देना है 8:15, ये हमने दे दिया 8:15। देखिए सारा लेता जा रहा है वही टाइमिंग, लेकिन हमने यहाँ पे DDB के लिए दे दिया, किसी ने हमसे कहा भाई 12:30, हमने 12:30 सेट किया। तो देखिए डेटा वैलिडेशन ने इसको इनवैलिड बता दिया है, क्योंकि आपने 11:30 तक ही टाइम सेट किया है, तो 12:30 उसमें नहीं लेगा। आप इसमें चाहे तो 11:15 डाल सकते हैं, 11:15 वो ले लेगा। 11:30 डालेंगे, 11:30 ले लेंगे, लेकिन हमने RSCET के लिए क्या सेट किया, 8:00 का टाइम, ये हमने 8:00 वापस डाल दिया। इस तरीके से हम टाइम सेट करेंगे, जो टाइमिंग हमने सेट की है उसी का हम वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, और वही चीज़ आप चाहें तो डेट पे भी लगा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस रेंज में हमें इस महीने की ही डेट सेट करनी है, इस महीने की कोई भी डेट हो वो सेट करनी है, तो डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे हम ले लेंगे डेट का ऑप्शन, स्टार्टिंग डेट कौन सी चाहिए और एंड डेट कौन सी चाहिए। स्टार्टिंग डेट हमने लिखी इसी महीने की एक डेट लिख दी, ये हमने 1 लिखा 08/2022। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे इसी महीने की, जैसे हमने ले ली 30 तारीख, तो कर देंगे ओके। अब इस महीने की कोई भी डेट डालते, हमने इस महीने की RSCET के लिए कौन सा डेट, अजय के लिए RSCET कोर्स किस डेट को फाइनल हुआ था, 5 तारीख को, तो ये हमने 5 तारीख का डाल दिया। भाई इसका फॉर्म हमने कब अपलोड किया था, 5 तारीख। बबलिका MCA के लिए हमने कब फॉर्म अपलोड किया था, हमने इसका फॉर्म अपलोड किया था 15 तारीख को, तो हमने 15 तारीख लिख दी। ये देखिए लेकिन गलती से, जैसे हमने BCA के लिए, बानु के लिए, हमने यहाँ पे कई बार क्या होता है एक्सेल की शीट में काम करते करते हम गलत टाइप भी कर देते हैं जल्दी जल्दी में, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 12/9 जल्दी जल्दी में कर दिया। हम लिखना तो 8 चाह रहे थे, 8वां महीना, लेकिन हमने 9 डाल दिया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने वहाँ पे वैलिडेशन लगा के काम करना शुरू किया है, तो जैसे ही इनवैलिड नंबर गया उसने आपको एरर दे दी, तो इसलिए यहाँ पे हम गलती से भी गलत कुछ नहीं लिख सकते। अगर आपने सही तरीके से वैलिडेशन लगाया है तो एंट्री गलत नहीं हो पाएगी। हमने करेक्शन करना था, हमने करेक्शन वापस कर लिया, हमने यहाँ पे 24/8 लिखना था, 24/8 लिख दिया। ये देखिए यानी इसी महीने की डेट ही वैलिड मानी जाएगी, आगे पीछे के कोई, जैसे हमने यहाँ पे 24/7 लिख दिया, जल्दी जल्दी में 8 की जगह 7 दब गया, तो ये देखिए क्या बताएगा आपको, इनवैलिड है ये। तो इस तरह से हम डेट और टाइमिंग को भी डेटा वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं।